माइनक्राफ्ट क्रीपी पास्ता स्टोरीज। माइनक्राफ्ट का एक ऐसा सेक्शन जो कि ये बहुत ज्यादा हॉरिफिक, बहुत ज्यादा स्केरी, एंड उनमें से आज मैं लेके आ चुका हूँ एक क्रीपी पास्ता स्टोरी तुम लोगों के साथ देखने के लिए। एंड दिस स्केरी क्रीपी पास्ता इज रिलेटेड टू अ माइनक्राफ्ट बेड जिसका नाम है मैन ईटिंग बेड। अब ये खतरनाक से इंसिडेंट हुआ था माइनक्राफ्ट के दो प्लेयर्स के बीच में, जिन्होंने इसको बाद में जाके रिपोर्ट किया, जिसके ऊपर ये वाली क्रीपी पास्ता स्टोरी बनी है। सो या आ जाओ साथ में देखते हैं, ऐसे सिट बैक एंड रिलैक्स, तुम्हें पता ही है, लेट्स सी इस वाली स्टोरी में क्या अजीब हुआ है। ऑलराइट, दिस स्टोरी इज अबाउट द मैन ईटिंग बेड। बाय द वे, लेट मी टेल यू, ये जो माइनक्राफ्ट की क्रीपी पास्ता स्टोरीज होती है ये रियल लाइफ बेस्ड होती है, यानी कि ये कुछ प्लेयर्स के साथ रियल में घटना होती है, फिर उनको बाद में ऐसी क्रीपी स्टोरीज में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सो यस, एज यू कैन सी, ये एग्जैक्टली घर है उन प्लेयर्स का, ऐसा ही घर हुआ करता था। एंड यप, स्विमिंग पूल वगैरह सब बना रखे थे इन्होंने। ये रहा दूसरा प्लेयर, बीच स्टीव 7 इसका नाम है, एंड ही सेज हाय। ओके, शायद इसके दोस्त ने अभी ज्वाइन किया है। फिनिश्ड इनसाइड इंटीरियर, कम सी। ओह नाइस, इंटीरियर भी काफी अच्छा है। तो बेसिकली वो अपने दोस्त को दिखा रहा है कि उसने जो घर के ऊपर काम किया है, ओ उस पे कुछ लिखा हुआ था, पढ़ा नहीं मैंने। नाइस, नॉट बैड। और यहाँ पे दो बेड लगे हुए, दीज आर आर बेड्स। तो इन दोनों प्लेयर्स के सेपरेट सेपरेट बेड्स थे टॉप फ्लोर पे, इस बात को याद रखना, टॉप फ्लोर वाली चीज को याद रखना। बट दे सो ब्लेंड, आई डोंट लाइक ग्रे। ओके, हमें दूसरे कैरेक्टर का नाम भी पता चल गया जिसका नाम है पंपकिन नेटर। ओह दैट्स नाइस नेम। एंड या बेसिकली दे आर सेइंग उनको बेड का कलर नहीं पसंद आ रहा है, तो आई थिंक सो दे आर गोना चेंज द कलर ऑफ द बेड मे बी। वी शुड मेक बेटर बेड्स सम टाइम, आई वांट डिफरेंट कलर्स। एग्जैक्टली, सो दे आर टेलिंग ईच अदर कि उन्हें नए बेड्स बनाने चाहिए। मे बी वी मेक मोर बेड्स टू, दैट वुड बी बेटर। ओके, तो ये और बेड्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। Yes, okay, extra beds would be for decoration, okay, oh I see, oh ye likha hua hai, be nice or be mice, wait I didn't put this here, this is creepy pasta, huh? I put those there. What? तू तो अभी आया घर में, पंपकिनेटर तो झूठ बोल रहा है। आई थिंक सो पंपकिनेटर इसलिए बोल रहा था कि वो डरे ना, बट हो सकता है पंपकिनेटर ने लिखा हो साइन बोर्ड पे, who knows? अरे क्या, you totally got me. Okay, so they were pranking each other. ठीक है। For a moment I thought it was in real creepy pasta. क्या इस स्लोगन का कुछ क्रीपी पास्ता से रिलेशन है? हाँ हाँ, लॉलजीज। व्हाट? लॉलजीज, नया वर्ड सीखने को मिला। नाइस, लॉलजीज। आई जस्ट प्लांटेड दिस सीड्स टू। ओके, तो अभी वो अपना रूम टूर दे रहा है, उसने जो जो भी अपडेट किया है, टू हिज फ्रेंड पंपकिन नेटर। वी विल बी एबल टू मेक ब्रेड फॉर फूड, यू वेजिटेरियन। ओके, सो यार उनमें से एक ने शायद डिसाइड किया है वो वेजिटेरियन रहेगा माइनक्राफ्ट में। हे ओके ओके, वो आई लाइक टोटली वांट टू फाइंड बेटर, सो दे आर गोना गो एंड फाइंड कलर्ड वूल, मे बी आई एम गोना लीव एंड टू फाइंड बेटर डाइज। ओके वेल, ओके, वी शुड देन कलेक्ट शीप for many color wool farm, be back soon, sounds like a lot of hard work, exactly, अरे भाई एक कलर का वूल लो उसे डाई कर लो, ही राइट, ये तो बेड बनाओ उसे डाई कर लो, वाइट बेड बनाओ, बट ओके, गुड लक देन। ऑल राइट, दिस इज अ जंप कट, वो चला गया वूल्स लेने। एंड इन्हें तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था? आई एम प्रीटी श्योर ये इसने नहीं रखा था वहां पे, ये साइन बोर्ड इसने नहीं रखे हैं, ये झूठ बोल रहा है। ओके, अभी अकेले रूम टूर कर रहा है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बेड्स भी वहीं पे हैं जहां पे उन्हें होना चाहिए था। बीच टीप का मैसेज आया, हे
आई वेंट इन टू द केव नियर अस जस्ट फॉर फन. अबे गधे तू डाय और वूल लेने गया, तेरे को खुले ग्राउंड में मिलेंगे, वो केव में क्यों चला गया? बट यू नीड टू कम सी व्हाट आई सी. उसे बुला रहा है वो, अब पंपकिनेटर जाएगा. कॉर्ड्स तो मांग लो दोस्त. ओके पहुंच गया. ओके एक केव में है, ठीक है, ज्यादा बड़ी केव नहीं लग रही है. मुझे लगा पता नहीं कहां खंडर में चला गया वो नीचे. ओ भाई मेरे को एक वक्त लगा कोई एंटिटी है. डूड लुक एट दिस शी बीन हियर ब्रो. व्हाट, उसके नीचे टीएनटी भी लगा हुआ है, साइड में एक रेड वूल भी है और एक रेड स्टोन. बट व्हाई इज इट्स हेड शेकिंग? अब एग्जैक्टली ओ डूड, ये शीप डरी डरी लग रही है. तुम ध्यान से देखो इसकी गर्दन ऐसे जैसे डर के मारे हिलती है वैसे हिल रही है. लुक स्केर्ड. दिस इज एक्चुअली क्रीपी. आई थिंक सो दैट्स अ साइन यू शुड लीव. तुम्हें इतनी जल्दी क्यों नहीं समझ में आते हैं इन लोगों को? यू डिडंट डू दिस डिड यू? अब इन दोनों को लग रहा होगा ये एक दूसरे को प्रैंक कर रहे हैं. पंपकिनेटर ने सच बोल दिया इस बार. नो भाई एक्चुअली में ऐसा लग रहा है डरा हुआ शीप. दिस डजंट मेक सेंस टू मी. टू मी ऑल्सो. यू किसने किया? वेट, अबे इनके हाथ में तो कुछ ब्लास्ट करने लायक भी नहीं था. वो हु सेट ऑफ टीएनटी एग्जैक्टली? व्हाट द, ओ ब्रो नॉट द म्यूजिक. ओ माय गॉश शीप डेड. व्हाट डिड दैट? What set off that explosion exactly? That's my question. Nobody else here but us. But this is the most creepy thing. जब कुछ unexpected हो जाता है और तुम्हें पता है कि तुम्हारे अलावा कोई है नहीं वहाँ पे. Na 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 na. What are you guys gonna do? भाई जाओ यार, game छोड़ो. I actually collected its wool. तो जो sheep मरी है इसने उसका वूल ले लिया. ओके वी गॉट टू रिमेंबर दिस. अब वो उससे बेड बनाएगा. आई थिंक सो वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स. टू बैड दो. ओ वेल पुअर शीप. भाई बेड मत बनाइए उससे, जो मर्जी हो जाए. सो सैड बट दैट वाज स्ट्रेंज. दैट वाज स्ट्रेंज बट तू मेरी बात सुन रहा है ना? अब ये यहीं पे खड़े रहेंगे क्या? I'm gonna have to look this up to see if anyone has seen anything like this before. Brothers, you are gonna end up on creepypasta stories. Don't worry. Okay, well, this place seems spooky. I just go home now. Lol, spooky tunnel. Abhe bhai! Make bed with this wool. No! Don't do this. Don't do this. एक शीप जो रैंडमली तुम्हें मिली है एक बहुत ही वियर्ड पोजीशन में, बहुत ही वियर्ड सिनेरियो में, वो मर गई, उसका वूल तुम लेके बेड बनाने की सोच रहे हो. आई डोंट थिंक सो दैट्स अ गुड आइडिया. डोंट डू दिस वरना तुम्हें पता ही है क्या होगा. आई मीन हमें पता है क्या होगा आगे. ओके शाम ढल गई. आई मीन धूप ढल गई, शाम हो गई. क्या किसी का वेट कर रहा है क्या ये? आई थिंक सो किसी का वेट कर रहा है. अब क्या हुआ इसे? कम अप स्टेयर्स प्लीज. भाई ये बीच स्टीव हर बार कुछ थप्पा कर रहा है. ये पंपकिनेटर को लग क्यों नहीं रहा कि ये प्रैंक कर रहा होगा? क्या हुआ इसे? सब सब सही तो है. ग्रे बेड्स. दिस इज वेरी वियर्ड. अबे क्या? टेक अ लुक एट वन ऑफ द वूल्स. वूल क्या नाम है? वूल आई प्लस एक्स एम हंगरी. व्हाट कैन यू नेम अ वूल? और अगर तुम वूल को नेम कर भी सकते हो तो ऐसे शीप से मिली हुई वूल पहले से नेम थोड़ी ना होती है. ओके सो यस दिस इज वेयर द क्रीपी पार्ट स्टार्ट्स. लेट्स गो. Did you name that? Exactly, that's my question. Like, how can that be? Why is it named that? I don't know. I have not seen anything like this in Minecraft before. Oh, sorry. Brothers, I think, suno, tumhe
गेम डिलीट कर देनी चाहिए, छोड़ना भी भूल जाओ, तुम गेम डिलीट कर दो। ऐसी कोई चीज मुझे मिले ना जो ऐसी अजीब सी नेम्ड है, भाई मैं माइनक्राफ्ट कभी मुड़ के ना खेलूं। ओह वेल, जस्ट गिव इट बैक टू मी, ओके, केम फ्रॉम दैट ट्री, बट नाउ हाउ? देयर इज नो वे तू अभी भी उस वूल से बेड बनाने को सोच रहा है। आई जस्ट मेक बेड आउट ऑफ इट बिफोर गॉट अबाउट इट। अबे यार पागल है क्या, तुम्हें इतनी वियर्ड चीज मिली है, तुम उससे कोई टूल कुछ भी कैसे बना सकते हो? हेलो, दिमाग की कमी, मेक सेंस। ब्रो ये स्लोगन ना मेरे को अभी तक डरा रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूं। टॉर्च, ये टॉर्च लगाने जा रहे बाहर। तुमने इतना अंधेरा क्यों कर रखा है दोस्त, और रोशनी क्यों है इतनी, लावा है क्या वहां पे? ब्रो दिस इज गिविंग सो, ये पूरा सिनेरियो, ये पूरी बहुत क्रीपी वाइब्स दे रहा है। आई थिंक सो तुझे घर में वापस जाना चाहिए, तो घर से बाहर निकला क्यों है, किस खुशी में है? तेरे को किसने बोला टॉर्च लगाने के लिए, अभी सुबह लगा लेता। इतनी बेकार बेकार चीजें हो रही है तुम्हारे साथ, तुम अभी भी, वाह नाइस। ओके ब्रो लुक एट द सिनेरियो, कितना डरावना लग रही है। ये क्या कर रहा है, ये अपने आप जा रहा है क्या, इसको क्या सूझा है अभी रात को ये सब करने का? क्या हो सकता है इससे कोई करवा रहा है ये चीज, who knows? Because हमने ऑलरेडी देख ही लिया है इनके वर्ल्ड में कुछ ज्यादा अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। एंड यही वो केवे जाए गए थे ना, मत जाना भाई। मेरे को लगा केव बंद है, ओके ये कोई और जगह है, अभी ये जहां जा रहा है। मिस्टिव के, के मतलब सॉरी आई टुक सो लॉन्ग टू मेक बेड। हैं इसे बेड, अभी तक बेड बना रहा था ब्रो? भाई आर यू श्योर तू माइनक्राफ्ट में बेड बना रहा था या रियल लाइफ में चला गया? इतना टाइम किसको लगता है, दैट्स प्रीटी स्ट्रेंज। मेरे को अभी तक एक बात नहीं समझ में आ रही, पंपकिन नेटर को कुछ अलग क्यों नहीं लग रहा है? बीच स्टीव ने अभी तक बहुत सारी चीजें सेंस कर ली है, बट इसको क्यों नहीं हो रहा है कुछ? आर यू रोबोट पंपकिन नेटर, कम बैक, लेट्स गो टू बेड। आई एम ऑलरेडी इन बेड, ओके जा रहा है पंपकिन नेटर। वेट अ मिनट, क्या हुआ इसे, समथिंग इज रॉन्ग। ये देखो दोबारा से, व्हाट, ओह नो द म्यूजिक, अब क्या हुआ? ब्रो कोई चल रहा है, कुछ चल रहा है, अच्छा नहीं। डूड लाइक समथिंग हियर इजंट राइट, अब क्या हो गया इसे? आई एम हर्ट इन, उसे चोट लग रही है। तो गिरने की आवाज आई है, मैं हिल गया। Beach Steve was eaten. Beach Steve's account has been banned for 7 days and will not log in. Bro, he made a bed. He got eaten. उसको ban मिल गया 7 दिनों का और वो login नहीं कर सकता. How? What? Bro, don't go and see that. Don't go. What? Oh no, Pumpkin Nator, you should not do this. तू जा भाई, तू game छोड़ दे दोस्त. Pumpkin Nator भाई. वो जाके बैठ देखेगा है। Oh no, this is creepy. Please no jump scares, please. बैठ नहीं है। Bro. भाई इन्होंने एंड में बहुत इंटेंस माहौल बना दिया, I'm sorry. Please don't tell me. ओके बेड है। जंप स्केयर। ये कैसे बना बेड? तुमने वो बेड देखा? ओके भाग। वो ये भागने का ट्राई कर रहा था, गया। एंड देन हिज अकाउंट वाज बैंड फ्रॉम लॉगिंग इन फॉर 7 डेज टू। ही कांट फिगर आउट हाउ इज दिस पॉसिबल ब्रो। आई टू, दिस इज वियर्ड। क्या तुमने वो बेड देखा?
सो या दिस इज व्हाट हैपेंस। अब आज के बाद ना मैं किसी शीप को मारने के बाद बेड भी नहीं बनाने वाला, मैं कैसे बनाऊंगा वो वूल, मैं स्ट्रिंग से बना लूंगा वूल भाई। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आज के क्रीपी पास्ता स्टोरी के लिए इतना ही। प्लीज मुझे बताना तुम्हें ये वाली स्टोरी कैसे लगी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एंड यार मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, टिल देन पीस आउट। पीठ पे गदर मचेगा खटेगा, ये पिज्जा सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा, बोलेगा आई स्वेयर, चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।